कोल्हापुर से आए हैं, गौरव काइंगड़े है। मेरा कोल्हापुर में मेरा स्टूडियो है टेराकोटा जर्नी नाम का। तो ये 5 साल से मैं काम कर रहा हूँ। उसके पहले मेरा फाइन आर्ट हुआ है, पेंटिंग में मैंने स्टडी किया है। अभी कोल्हापुर में तो ये काम कर रहा हूँ कि ये जो काम है वो हमारे इधर कुम्हार लोग नहीं करते। हमारे ऐसा ये इस काम को नीचे स्तर का माना जाता है। जैसे कि मिट्टी का कोई काम करने वाला आदमी है तो उसको लड़की के लिए लड़की भी नहीं देते शादी के लिए। तो इसे नीचे स्तर का काम है। तो हम क्या कर रहे हैं, मैं तो ये खुद का काम तो करता हूँ, तो अलग अलग लोगों को ये काम भी सिखाता हूँ मैं, क्योंकि इस काम का प्रसार होना ज़रूरी है। लोगों को या बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं कि हस्तकला में अभी लोगों को हस्तकला की ज़रूरत क्या है। तो जैसे कि मिट्टी के बर्तन में आप खाना पका के खाते हैं तो आपकी हीमोग्लोबिन की मात्रा वगैरह बढ़ती है। तो ये सब चीज़ें बच्चों को हम सिखाते हैं, उनका जो कुछ महत्व है उनको समझा देते हैं। और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बच्चों को हम सिखाते हैं। और जो छोटे बच्चे होते हैं तो एक्चुअली उनके पास एक अच्छी क्रिएटिविटी होती है, उनके काम में एक निरागसता होती है। इसको टेराकोटा क्ले बोलते हैं। टेराकोटा एक इटालियन वर्ड है, टेराकोटा इटालियन वर्ड है, उसका मतलब हिंदी में है मिट्टी के चीज़ें। ये तो ये मिट्टी बनाने थे हम टैंक क्ले, उसमें तालाब के जो नीचे बैठती है वो मिट्टी, उसको शाडू क्ले, येलो क्ले होता है और ब्लैक क्ले, तीन मिट्टी का मिक्सचर होता है। 50% ब्लैक क्ले, 30% शाडू क्ले मतलब येलो क्ले, और 20% वो तालाब क्ले होता है। तो इस तीन उसका जो टेम्परेचर होता है वो अलग 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 प्रदेश में जैसे मिट्टी का क्वालिटी होता है उस पर वो टेम्परेचर डिपेंड करता है। इसमें इस मिट्टी की खासियत ये है कि इसमें मेटल का प्रमाण ज़्यादा है। जैसे ये बेल बनाई है, अभी कोई भी चीज़ आप उठा के उसको ये करेंगे तो उसमें मेटल का प्रमाण ज़्यादा है, तो आपको नज़र आएगा। तो अलग अलग क्वालिटी की मिट्टी होती है। जिस काम के लिए कहीं से ट्रेनिंग वगैरह भी आपने ली है क्या? हाँ, वो खादी ग्रामोद्योग कुम्हार काम सिखाते हैं, वो ट्रेनिंग मैंने ली है। मगर इसमें एक बात होती है कि मैं 10 साल से आर्ट के क्षेत्र में हूँ, तो वो एक जो एक्सपीरियंस आता है विजुअल एक्सपीरियंस, जो मैच्योरिटी आनी चाहती है, वो आने के लिए तो आपको टाइम देना पड़ता है। ये कला है एक ऐसी चीज़ है वो सीखने के बाद नहीं आती। फिर ये बनाने के बाद तो आप इसको सुखाने का कैसे क्या करते हैं? सुखाते हैं धूप में, नहीं ऐसे नेचुरल छाड़ों में ही सुखाते हैं, और उसके बाद उसका बेक करते हैं फर्नेस में। टॉप भी लिए हैं मैंने, जैसे जिला उद्योग केंद्र वगैरह होता है उनके लिए भी हमने वर्कशॉप्स लिए हैं। और बहुत सारे लोग हैं अभी इस काम में इंटरेस्ट भी दिखा रहे हैं, क्योंकि हम ऐसा काम कर रहे हैं कि वो लोगों के बीच में आना चाहिए काम। ऐसा नहीं कि मेरा स्टूडियो है, मेरा फैक्ट्री है, मैं उधर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और वो सेल हो रहा है, वैसा काम नहीं होना चाहिए। आर्ट एक ऐसी चीज़ है कि वो लोगों में मिलजुल के करने की बात है, ये स्टडी करने की बात नहीं है। और दूसरी बात जो है, इसके जो टूल्स है वो कोई रेडीमेड टूल्स नहीं है, ये ख़राब पेन है, अलग अलग तरह के अलग अलग ख़राब रिफिल्स है, यही इसके टूल्स है।